एवरीवन, मैं हूँ रजनी मिट्राल गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हरि उत्तर नवोदया पर। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय विंटर स्पेशल ओट सूप की रेसिपी। जी हाँ गाइस, ये मेरी फेवरेट है और आज मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये भरपूर है न्यूट्रिशन से, वेजिटेबल से और एंटीऑक्सीडेंट से, फाइबर से, प्रोटीन से, कैल्शियम से और भी ऐसे सूक्ष्म मिनरल से भरपूर है ये सूप का बोल आपके लिए। तो गाइज, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बारी आए हैं, इस चेहरे को पहली बारी देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे पहुंचे आप तक। तो गाइज, इस चैनल पे मैं ब्यूटी एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी लाते रहती हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो गाइज, एक चीज और बताना चाहती हूँ इस सूप के बारे में, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो ये सूप आपके लिए बेस्ट है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो भी ये सूप आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको इनके अलावा और भी कोई डिजीज की प्रॉब्लम है तो भी ये सूप आपके लिए बेस्ट है। बट डायबिटीज के पेशेंट और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी है वो स्वीट कॉर्न को अवॉइड कर सकती है और बाकी के सारे वेजिटेबल जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सूप को रेडी करने के लिए आप गैस ऑन करेंगे, पैन चढ़ाएंगे, 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 स्पून। अब हम पैन को घुमा देंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे या ऐसे छोटा छोटा कट करके ले लेंगे, उसे 2 से 3 सेकेंड के लिए हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 कट अनियन। तो 1/2 कट अनियन मैंने यहाँ पे ऐड किया, हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसे भी लाइट ब्राउन ट्रांसपेरेंट टाइप का कर लेंगे। अनियन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाइए और लाइट ब्राउन कीजिए। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली 1 या 2 यूज़ कर सकते हो। हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। ग्रीन चिली को रोस्ट करने के बाद हम ऐड करेंगे 2 स्पून ओट्स मील और ओट्स मील को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। इसमें इसको भी ब्राउन करेंगे, सौते कर लेंगे अच्छे से ताकि ओट्स हमारा थोड़ा कच्चा ना रहे। वेजिटेबल ऐड करेंगे, मैंने लिया है स्वीट कॉर्न, आप अपनी पसंद का कुछ भी ऐड कर सकते हैं। गाजर लिया है, टमाटो लिया है एंड उसके बाद मैंने कॉलीफ्लावर लिया है। कॉलीफ्लावर गाइज मैंने पहले ही हॉट वाटर में रख लिया था 1/2 घंटा करीब, तो उसके बाद मैंने इसमें डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा छोटे छोटे कीड़े टाइप दिखते हैं कई बारी, तो वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे ऐड कर सकते हैं वेजिटेबल एंड वाटर इसमें ऐड कर दीजिए जिस हिसाब से आपका पैन है, और कोरिएंडर लीफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल दीजिए इसमें। ये सब डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा देर कुक करेंगे और ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड किया है अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट एंड सॉल्ट यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने इसमें 1/2 स्पून ऐड किया है सांभर मसाला। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मुझे बहुत पसंद है और इस सूप को बनाने में ये एक सोने पे सुहागा है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ऑर्गेनो मैंने इसलिए ऐड किया गाइस, इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाती है सूप की और टेस्ट डबल हो जाता है, इसलिए मैंने ये ऐड किया। अब मैं थोड़ा देर इसको आंच को मीडियम फ्लेम पे करके या सिम कर दीजिए, ढक्कन मार के थोड़ी देर 2 से 3 मिनट पका लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए ढक्कन को हटा के, देखिए आपकी वेजिटेबल पक गई है, आपका सूप रेडी हुआ या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट में कुक हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं पक चुकी है। तो सूप हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं बोल में। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन इसकी बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, ऐसे स्प्रेड कर दीजिए पूरे बोल में एंड हल्का सा लेमन स्क्वीज कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पसंद है तो आपका सूप बोल बिल्कुल रेडी है, आप इसको खा के एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको वेट लॉस भी देगा,
टेस्टी भी है ये, हेल्दी भी है, डिलीशियस है और वेजी से भरपूर है, आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।